आप सबको बताइए क्योंकि हम लोग हर स्तर पर काम कर रहे हैं और सरकारी बहुत दिन तक नहीं पा सकता, लेकिन जानबूझ के ऐसा लगता है कि सरकारी कहीं से बाई गाड़ी फिर जो है आपसे बताई जा रही है कि हम लोग शक्ति से शक्ति द्वारा और मिल करके नगर में एक व्यवस्था की है, ग्राम में एक व्यवस्था किए हैं कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा। आवश्यकता की चीज़ें लोग उपलब्ध करा रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि घर घर उसको उपलब्ध हो जाए। किराना के लोग इसमें साथ दे रहे हैं, व्यापारी साथ दे रहे हैं, सब्जी वाले साथ दे रहे हैं और अभी साथ कुछ लोग नहीं दे रहे हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं हम अनावश्यक बाज़ार में निकल रहे हैं और निकल भी रहे हैं तो जो सोशल डिस्टेंसिंग जितना होना चाहिए अपने को बचाने के लिए, अपने परिवार को, नगर को, वो नहीं हो रहा। तो आप सबको, चूंकि आप प्रमुख लोग हो तो इसलिए बुलाया गया है और एक अपील करी गई है और मीडिया का के लिए भी विशेष रूप से कि आप अपने स्तर पर एक चलाइए, क्योंकि आप सबको पता है कि किसका प्रभाव कितना है। ऐसे प्रभावशाली लोगों से अपील जारी करिए कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, थोड़ा तकलीफ सह करके भी घरों में रहना है। दूसरी चीज़ की जो कमी हो रही है कि बाहर से आए हुए लोगों को तत्काल पुलिस को और हॉस्पिटल को सूचना देना है, किसी भी तरह से छुपाना नहीं है जानकारी। यदि हम जानकारी छुपा रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं हम समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तत्काल खबर करिए। अभी जैसे हम लोगों ने परसों के दिन, जैसा आपको सबको पता है कि इस समय सबसे बड़ा संकट क्या हो गया, जो दिल्ली में जो जमात और मरकज में शामिल हुए लोग उसमें बहुत सारे पॉजिटिव लोग शामिल हो गए और एक बहुत विकराल स्थिति बन गई है कि उसमें पॉजिटिव लोग पता नहीं किसको किसको पॉजिटिव करे होंगे। तो आपके सबके जिनके भी जानकारी में है कि कोई ऐसा बाहर से आया है, बड़े नगरों से आया है, जो संक्रमित नगर है वहाँ से आ रहे हैं, जानकारी को छुपाना नहीं है, उसको पूरी तरह से उस परिवार को, उस घर को क्वारंटाइन करना है। जहाँ भी संपर्क में किया है तो बगैर किसी हिचक के बताना है कि नहीं साहब इस परिवार को भी क्वारंटाइन करिए। उस घरों पर हम लोग लिखवा रहे हैं, इस घर के लोग पूरी तरह से घर में रहें, कोई आवश्यकता की चीज़ होगी तो हमारे समाजसेवी वहाँ पहुँचा देंगे, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोबाइल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, मोबाइल से हम सूचनाएँ आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो निश्चित रूप से जो प्रशासन चाह रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि लोग एकमात्र जरिया है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग घरों में कैद होकर के थोड़ी सी हम तकलीफ सह करके और ये साथ देंगे तो कोरोना पर निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। उम्मीद है कि सारे लोग आप प्रशासन का सहयोग करेंगे, मीडिया पहले से ही सहयोग कर रही है, और भी अपने माध्यम से लोगों का विचार समाज में फैलाइए, लोग उसको मानेंगे। यही आपसे आग्रह निवेदन था। दूसरी चीज़ कि जो ऑनडोर ऑनलाइन घर में सामग्री वही सूची पर वही दर पर जो आप जा करके ले रहे हैं आपके घर पहुंचा सकते हैं, तो सारे लोग वही ये भी अपील करें कि सामग्री हमको खरीदने बाज़ार में नहीं जाना है, घर में मंगाएं। क्यों? क्योंकि अभी तक हम 30-40 से ज़्यादा हमारा ऑन डोर सप्लाई नहीं हो पा रही, ये 500 होना चाहिए। दूसरी चीज़, जितने भी आपके परिचित है, रिश्तेदार है, सबको बताइए कम करें, अपने क्राइसिस कम करें, इसमें क्राइसिस का समय नहीं है, आपात स्थिति की तरफ हम लोग हैं, तो जो आवश्यक चीज़ें मिल रही उससे हम संतोष करें, अनावश्यक चीज़ें न बचें। आज बहुत सारी मोटरसाइकिलों पर कार्रवाई की स्थिति बनी है, पैदल नहीं चल रहे हैं, यदि बहुत ज़रूरत है तो पैदल चलिए, नहीं तो घर में रहिए, मोबाइल का इस्तेमाल करिए, सारे दुकानदार उससे आपको पहुँचाने को तैयार हैं। तो ये सब करने की ज़रूरत है और आह्वान उसका करेंगे तो निश्चित रूप से शहर को फ़ायदा पहुँचेगा, ग्रामीण क्षेत्र में फ़ायदा पहुँचेगा